हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड राहुल एंड यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल अमीका जीनियस। आज के इस वीडियो में बड़े ही प्रैक्टिकल टॉपिक पे बात करेंगे कि जैसे आपने देखा होगा कि आपके आधार कार्ड में कई बार नाम गलत हो जाता है या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है, कोई एड्रेस गलत हो जाता है, तो उसके लिए हम बड़े ही सिंपली तौर पर CSE सेंटर होता है हमारा, या फिर बैंक में बैठे होते हैं, तहसील में बैठे होते हैं, ये जनरल फोटो स्टेट वाले बैठे होते हैं, इनके पास जाके हम बड़े ही आसानी से अपना जो नाम है DOB है चेंज करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। पैन कार्ड में हो जाता है बड़ी जल्दी, मतलब बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर आइडेंटिटीज़ में बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर बात करें DNC की, तो किसी बोर्ड से है, किसी यूनिवर्सिटी से है, किसी इंस्टीट्यूशन से है, तो वहाँ पर बड़ी ही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो लोग इतनी आसानी से उसके अंदर नाम और DOB चेंज करके नहीं देते हैं। उस चीज़ को टैकल करेंगे इस वीडियो के अंदर, बिल्कुल कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे प्रोसेस रहेगा, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको FIR करनी चाहिए, क्या आपको सिविल सूट करना चाहिए, या फिर ज़रूरी भी है, सबसे बड़ी बात क्या ये ज़रूरी है कि आपको DMC में नाम चेंज करवाना ही है, क्या बिना नाम चेंज करवाए भी काम चल जाएगा। तो आइए बने रहिए इस वीडियो के साथ, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर रहता है। लेकिन अगर आप बात करें कि अगर आपको आपके DMC में, बेशक वो हरियाणा बोर्ड की हो, किसी भी बोर्ड की हो, 10th की हो, 12th की हो, या यूनिवर्सिटी से पास आउट कोई DMC है, पासिंग सर्टिफिकेट है, उसके अंदर आपको अपना नाम चेंज करवाना है, आप या फिर आपको उसके अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है, तो ये बड़ा टेक्निकल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बोर्ड के पास बहुत सारा डाटा होता है। आप भी जानते हैं कि कितने बच्चे हैं इस देश में जो हर साल 10th पास करते हैं, +2 पास करते हैं, तो उस स्टेज पे बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम ये हो जाता है कि वो इतने बच्चों का डाटा अगर करेक्ट करने बैठ जाए तो उसको बहुत सारा मैनुअल प्रोसेस भी करना पड़ता है। वो सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड डाटा नहीं होता कि वो टाइप करेंगे और सिर्फ ठीक हो जाएगा, काफ़ी जगह उनको मैनुअली भी ठीक करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए वो क्या करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति ऐसे अप्रोच करता है बोर्ड को या यूनिवर्सिटी को, तो वो साफ तौर पर उसको मना कर देते हैं या फिर उसकी बात का जवाब नहीं देते, उसको इग्नोर करते हैं। तो उस स्टेज पर आप क्या कर सकते हैं, आपके क्या अधिकार हैं, आप उस स्टेज को कैसे टैकल करेंगे, क्या आपको सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा, क्या आपको FIR करनी पड़ेगी, सब जानेंगे इस वीडियो में। जानते रहिए, देखते रहिए, कंप्लीट इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि हर प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप चलेगा। आपको मैं इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर आपके नाम में कोई दिक्कत है, आप उसको चेंज करवाना चाहते हैं, तो आप उसको किस तरीके से, किस वे से, किस मेथड से चेंज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या अगर नाम DMC में गलत है तो क्या हमें वो चेंज करवाने की ज़रूरत भी है या नहीं? तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि नहीं। क्या सर, आपने नहीं क्यों बोला? नहीं इसलिए बोला है दोस्तों, क्योंकि देखिए, एक गज़ट होती है, हम इस गज़ट को हर स्टेट से निकलवा सकते हैं। जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ तो मैं हरियाणा से गज़ट को निकलवा सकता हूँ, अगर मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाब स्टेट से गज़ट निकलवा सकता हूँ। अगर मुझे उस स्टेट में वैलिड रखनी है वो गज़ट, उस गज़ट में सिटीजन्स का ब्यौरा होता है, ठीक है। अगर मैं गज़ट की कॉपी निकलवा के और अपने डॉक्यूमेंट के साथ, जैसे मान लीजिए कि मेरे 10th में जो मेरा बोर्ड था वो हरियाणा बोर्ड था और उसमें मेरे नाम की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, अब मैं गज़ट से अपने सही नाम की स्पेलिंग लिखवा लेता हूँ, उसकी कॉपी में अपने DMC की फ़ोटो कॉपी के साथ अटैच करके जहाँ जहाँ मुझे DMC देनी है मैं वहाँ पर दे देता हूँ, तो ये वैलिड होगा, ठीक है। ये हर स्टेट में ऐसे ही वैलिड होता है। लेकिन अगर आपको अपनी DMC देनी है पंजाब में, तो वहाँ पर आपको पंजाब की गज़ट निकलवानी पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों, इसीलिए आपको क्या करना है, आप जाके सेंटर में, जो कि दिल्ली है हमारा, दिल्ली से गज़ट निकलवाइए। गज़ट निकलवाने के बाद आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, आपको लगता है कि आपके DMC में जो आपका नेम है उसकी स्पेलिंग गलत है या DOB गलत है, तो आप गज़ट निकलवाइए, उसकी फोटोकॉपी लगाइए, तो यहाँ पे इशू सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपका नाम आपकी DMC में सही हो, तो आपको क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहली बात, आप FIR करवा सकते हैं, आप बोर्ड के खिलाफ FIR करवा सकते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यूनिवर्सिटी को या फिर बोर्ड को अप्रोच करेंगे, आप वहाँ पे जैसे ही अप्रोच करेंगे तो आप उनको कहेंगे कि सर ऐसे ऐसे करके मेरा नाम इसमें गलत हो गया है, तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एप्लीकेशन बना के देंगे उनको कि ऐसे ऐसे करके बात हो गई है, इसमें मेरा नाम गलत है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम जो गज़ट में है वो मेरा नाम यहाँ पर हो, मैं गज़ट की कॉपी अटैच कर रहा हूँ। अब गज़ट जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का, अब क्या होगा कि वो इसको या तो इग्नोर करेंगे या फिर इसका जवाब नहीं देंगे। अगर वो जवाब दे देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देते हैं तो आप उसके ऊपर RTI लगाइए कि सर मैंने आपसे ये पूछा था, आपने उसको कोई जवाब नहीं दिया। तो जवाब देने में वो जहाँ तक चांसेस हैं कि वो ना ही कहेंगे, ठीक है, उन्होंने बाई चांस ना कह दिया, तो अब आपके पास क्या रास्ता है, आप जाएंगे FIR करवा दीजिए पुलिस स्टेशन में जाके, या तो, ठीक है, या फिर आप सिविल सूट फाइल कीजिए। सिविल सूट कौन सा? सूट फॉर डिक्लेरेशन
एंड मैंडेटरी डिक्लेरेशन। इसमें क्या है कि आपने बता दिया कि मैंने गजट गजट लगा दी है, ठीक है, अटैच कर दी है। अब कोर्ट को आप कह रहे हैं कि मुझे रिलीफ दिलाइए, मेरा नाम इसमें चेंज करवाइए, ठीक है, मैंडेटरी डिक्लेरेशन निकालिए इसके अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं, कोर्ट इसको मान लेता है। अब क्या होगा, जैसे ही आप सिविल सूट फाइल करेंगे तो कोर्ट जिस जिसको आपने पार्टी बनाया है उसको नोटिस भेजेगी। अब पार्टी की बात कर लेते हैं, आप किसको पार्टी बनाएंगे। देखिए सपोज कि हरियाणा बोर्ड से मेरा 10th और मैंने प्लस टू पास की है, 10th की मेरी DMC में नाम गलत है, 12th की मेरी DMC में नाम गलत है, और 12th की DMC में जब मैं एप्लीकेशन लेके गया कि सर मेरा नाम गलत है इनको चेंज कर दीजिए, तो उन्होंने चेंज नहीं किया। फिर मैंने जाके सिविल सूट फाइल किया, सिविल सूट फाइल किया तो मैंने पार्टी बनाना था, तो पार्टी मैंने बनाया स्टेट ऑफ हरियाणा को, पहले तो हरियाणा को बनाया क्योंकि स्टेट को बनाना पड़ेगा, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, ठीक है। दूसरी बात, मैं अब हरियाणा बोर्ड को पार्टी बनाऊंगा कि इन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, मेरा नाम इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, दो पार्टीज बना ली हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जिसने आप जिस स्टेट में आप रहते हैं उसको पार्टी बनाइए, दूसरी बात जो इंस्टीट्यूशन या जो यूनिवर्सिटी या ये कहें कि जो बोर्ड है, ठीक है, उसको आप पार्टी बनाइए। नेक्स्ट इज़ कि अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ते थे, उन्होंने भी आपकी स्पेलिंग गलत कर रखी है, मान लीजिए कि मैं राजस्थान से पढ़ के आया हूँ, ठीक है, तो राजस्थान की यूनिवर्सिटी को मैं पार्टी बनाऊंगा, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया तो पंजाब यूनिवर्सिटी को पार्टी बनाऊंगा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को पार्टी बनाऊंगा, ठीक है। ऐसे ऐसे पार्टी बनेंगे अगर वो नाम में गलती करते हैं तो। ये एक एग्जाम्पल था और इससे ऊपर कुछ नहीं। बात करेंगे कि आप केस फाइल कहाँ करेंगे, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर आप केस फाइल कर सकते हैं, जहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट बोर्ड या यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है वहाँ पर आप फाइल कर सकते हैं, जहाँ पर आपका स्कूल है, जहाँ से आपने स्कूलिंग की है, जैसे आप वहाँ पर आप कर सकते हैं। कोर्ट इसमें नोटिस भेजते हैं, उनको कहते हैं कि साफ तौर पे उनको बताया जाता है कि आपने ऐसे ऐसे करके इनका नाम बदल देना है। कोर्ट उनको कहते हैं, पूछते हैं नोटिस देने के बाद जब वो अपीयर होते हैं वहाँ पे कि भाई ऐसे ऐसे करके बात है, इनका नाम क्यों नहीं चेंज कर रहे आप, तो वहाँ पर वो एक्सक्यूज़ देते हैं कि सर बहुत सारा डाटा हो जाता है, मैनुअल वर्क है, बहुत सारा डाटा हो जाता है, इतने बच्चों का कैसे ठीक करके देंगे। तो कोर्ट कहता है कि कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, टाइम ले लीजिए, इनसे प्रोसेसिंग फीस ले लीजिए, कोई बात नहीं, आप करके दीजिए। लेकिन तो अगर वो कोर्ट केस चलते चलते तो कर देते हैं फिर तो ठीक है, अगर वो नहीं करते हैं तो जो जज साहब हैं वो ऑर्डर पास कर देंगे, फाइनल ऑर्डर पास कर देंगे। फाइनल ऑर्डर पास होते ही उनको करना पड़ेगा, आप जजमेंट की कॉपी लेके वहाँ जाइए कि सर देखो जजमेंट आ चुका है और प्लीज़ मेरा नाम चेंज कर दीजिए। अगर फिर भी उनकी इतनी हिम्मत हो जाती है, पहली बात तो ऐसा कोई करता नहीं है, कोर्ट की सब इज्जत करते हैं, उसकी कोई अवमानना नहीं करना चाहता, फिर भी अगर बाय चांस कोई डिपार्टमेंट ऐसा है तो इस बात को कंसिडर नहीं कर रहा है, जजमेंट को कंसिडर नहीं कर रहा है, तो आप उनसे इसकी शिकायत उसी कोर्ट में जाके फाइल कर सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल कर सकते हैं कि सर उन्होंने आपकी जजमेंट को रिफ्यूज़ किया है, आपकी कोर्ट की अवमानना की है, और इस प्रोसेस से आपका जो नाम होगा DMC के अंदर वो चेंज हो जाएगा, बेशक वो यूनिवर्सिटी हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अगर आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम था तो ज़रूर बताएं कमेंट करके। थैंक यू।